एक तरफ तो सूबे की योगी सरकार लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है, वहीं उत्तर प्रदेश के बागपत के मविकला गांव में बताया जा रहा है कि यहां पर सीएचओ जो है वो पिछले 12 तारीख से यहां पर अनुपस्थित है। लगातार लोग यहां पर स्वास्थ्य को लेकर अपने आ रहे हैं, बुखार की बीमारियां ज़्यादा चल रही हैं और कई ऐसे वायरल बुखार हैं जो लगातार लोगों के बीच में एक महामारी के तौर पर फैल रहे हैं। लेकिन इस गाँव में जो लोग हैं, मैं दिखा सकता हूँ कैमरा पर्सन से नोट करो, पर दिखाएं, ये लोग यहाँ पर सुबह से बैठे हुए हैं लेकिन कोई भी ऐसा स्वास्थ्यकर्मी यहाँ पर मौजूद नहीं है। पता करने पर जानकारी मिली कि जो एन एम टीकाकरण के लिए विद्यालय में गई हुई है, तमाम लोग इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? सुभाष। सुभाष जी, क्या जो सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही हैं, आयुष्मान कार्ड को लेकर बात करूँ, बुखार लगातार बढ़ रहा है, खांसी की शिकायतें आ रही है, जुकाम की शिकायतें आ रही है, क्या दवाई प्रॉपर मिल रही है आपको यहाँ पर? नहीं, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा। डॉक्टर बड़ा जो बड़ा डॉक्टर है वो आता ही नहीं, सीएचओ आता है नहीं? नहीं आता। कब से नहीं आ पा रहा है जानकारी? तो काफी दिन हो गए, 20 दिन है ना अंता जी, कोई भी 20-25 दिन हो गए यहाँ, कोई सीएचओ वगैरह कोई नहीं आता। ये हमारी ए एन एम अनिता वर्मा जी ये तो रहे यहाँ, बाकी और कोई यहाँ कोई डॉक्टर कोई अधिकारी कोई नहीं रहता है। आपका क्या नाम है? अनिल। क्यों आए थे यहाँ, क्या परेशानी थी? दिक्कत थी बुखार सुखार की, यही यहाँ से कोई डॉक्टर ही नहीं है। 2 दिन तो आवा और चले जा। 2 दिन से रहे, पहले से नहीं आ रहे हैं, कई दिन हो गए? नहीं, हम तो 2 दिन से आ रहे, हमें कोई नहीं मिल रहा, हमने पता करा तो यहाँ के बता भी। मैडम टीकाकरण में जा रही है? 20-25 दिन से कोई नहीं। मैडम टीकाकरण में गई हुई है गाँव में और सीएचओ वगैरह और कोई यहाँ है नहीं। अगर कुछ बुजुर्ग व्यक्ति भी हमारे साथ में, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? इंद्रपाल है। कैसे आना हुआ, क्यों पाए हो जी? बीमार चल रही, दिखाना आए थे हम भी यहाँ। सीएचओ नहीं आ रहा जी यार, ये तो है यार, डॉक्टर नहीं तो हो जाती है। सीएचओ नहीं आ पा रहा है? हाँ। आप भी गांव से ही है? हाँ जी, गांव से ही है। क्या समस्या है, क्यों पहुँचे आप यहाँ? कई दिनों से ही तबीयत खराब चल रही थी, देखना आए थे जी, यहाँ कोई डॉक्टर व्यवस्था है ही नहीं जी। कितने दिन से यहाँ जानकारी मिली डॉक्टर? मेरी जी जानकारी यही है जी, कोई 10-12 दिन से तो लगातार दिक्कत चली रही है। अनिल जी क्यों आए यहाँ स्वास्थ्य केंद्र में? बुखार चढ़ रहा जी, कई दिन हो लिए जड्डे से हमें चढ़ा और रहा, बैठ नहीं रहा, डॉक्टर आ नहीं रहे हैं यहाँ से। अच्छा, बुखार हो रहा है? हाँ जी। तो डॉक्टर मिले सीएचओ जो है? नहीं, यहाँ से सीएचओ नहीं आ रहे जी। क्या नाम है सीएचओ का, पता है आपको? नहीं जी, नाम का भी नहीं पता। नाम का नहीं पता, अंकित बता रहे हैं। क्या नाम आपका? जयवीर सिंह। अच्छा, यहाँ पे जो ये ग्रामीण आए हुए हैं, हाँ जी, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं मिलते, क्या समस्या है? वो डॉक्टर पहले कोई लगभग 8 तारीख के आसपास से गायब है, 1 महीना हो गया जी, 1 महीने से यहाँ लिखाया भी नहीं आ गया, वो पता नहीं कहें की वजह से नहीं आ रहा। तो हाँ, कौन देख रेख यहाँ पर, कौन कर रहा है? भाई अनिता वर्मा देख रेख कर रही थी, तो वही जो टीकाकरण में जाना पड़ता है, कभी कहीं कर कभी कहीं जाना पड़ता है। बातचीत हुई कोई डॉक्टर? हाँ, वो कह लगे उनको भाई मैं नहीं आने का यहाँ, मेरे तो कहीं और ट्रांसफर करवा दो। तमाम लोगों से मैंने बातचीत की। ये स्वास्थ्य केंद्र बिनोली सीएससी के अंतर्गत पड़ता है, एक मविकला गांव, वहाँ का ये आयुष्मान केंद्र है जहाँ पर सीएचओ लंबे समय से नहीं पहुँच रहा है, इसकी शिकायतें गाँव वाले कर रहे हैं। कोई बुखार से पीड़ित है, कोई जुखाम से पीड़ित है, कोई इंद्रजी से, कोई खांसी से पीड़ित है। सरकार के कड़े निर्देश है कि जो ग्रामीण है उनको स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं हमें उपलब्ध कराई जाए, लेकिन जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, उनकी लापरवाही लगातार यहाँ पर देखने को मिलती है। अब देखते हैं कि जो बड़े अधिकारी हैं इन प्रकार के अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करते हैं। बागपत से कैमरा पर्सन गुजराती के साथ प्रताप हरी की रिपोर्ट।